ओके जी, तो इस सेशन के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास सम फार्मूला का काम क्या है एमएस एक्सेल के अंदर। देखिए, आप ऑलरेडी एक फार्मूला पढ़ चुके हैं जिसका नाम है सम और दूसरा है इफ। उसका है कि आपकी कौन कौन सी कंडीशन ट्री होगी जिसके बदौलत कोई ना कोई चीज परफॉर्म करवानी है, ऐसे ही है ना। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जब आप सम मालूम करते थे तो क्या होता था, सारी की सारी प्रोडक्ट्स का एक सम मिल जाता था, या टोटल जो हमारी वैल्यू बनती थी वो टोटल हमें यहां शो हो जाता था। इस तरह से है ना, आप क्या करते थे, इज इक्वल टू SUM के नाम से एक सम का फॉर्मूला लगाते और जो वैल्यू आपको जोड़नी थी या जमा करनी थी उनको प्रोवाइड कर देते, ब्रैकेट कवर करते और एंटर करते, तो आपको टोटल जितना भी सम बनता है या इन तकरीबन प्रोडक्ट्स की जितनी भी ओवरऑल वैल्यू बनती है वो आपको शो हो जाएगी। जैसे 1,11,000 आपको भी शो हो रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप किसी को जाके बोलते हैं कि मुझे जो है वो फॉर एग्जाम्पल 15 आइटम खरीदने हैं, अब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 टी शर्ट्स खरीद ली है ना, 5 शर्ट्स खरीद ली कैजुअल, और उसके बाद 5 जीन्स खरीद ली, ऐसे ही है। अब टोटल उसका सम बनता है फॉर एग्जाम्पल 15,000। आंसर क्लियर है कि आपकी टोटल शॉपिंग कितने पैसों की हो गई, 15,000 की। लेकिन अगर आप शॉपकीपर से पूछे कि इन 5 शर्टों के कितने बने, तो हम क्या कह रहे हैं, एक्चुअल में हर प्रोडक्ट की अलग अलग वैल्यू मालूम करना चाहते हैं। तो अब कंडीशन हो गई ना, पहले तो टोटल सम था, आपने क्या लगाया, कंडीशन लगाई। कंडीशन क्या लगाई, सिर्फ और सिर्फ सपोज टी शर्ट्स का कितना बनता है, तो फॉर एग्जाम्पल वो बोला है 5,000 है ना। तो इस तरह की सिनेरियोस के लिए फिर हम सम इफ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सम इफ। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो ये सारे प्रोडक्ट के जो भी समझ ले यहां पे गिवन आइटम है उनका सम बता रहा है ना, लेकिन कल को आपसे कोई पूछे कि भाई टेबलेट सपोज 2 है तो दोनों टेबलेट के कितने पैसे बनते हैं, समझ में आ रहा है। तो अब कंडीशन लग गई कि टैबलेट का सम कितना बनता है, लैपटॉप्स के कितने सम बनते हैं, है ना। तो इस तरह से इंडिविजुअल आइटम्स मालूम कर रहे हैं। मैं यहां पे प्रोडक्ट का नाम लिखूंगा और नीचे मैं यहां पे एक सम इफ का फॉर्मूला लगा दू, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहां पर, सही है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहां से पहले एक जो है लिस्ट इंक्लूड कर देते हैं, ड्रॉपडाउन लिस्ट, ताकि बार बार ये नाम लिखने ना पड़े। यहां पर हम डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे। यहां पे देखिए एनी वैल्यू सिलेक्टेड है, आपको लिस्ट पे क्लिक करना, उसके बाद आपने चूज कर लेने वो तकरीबन आइटम्स जो आप लिस्ट के अंदर दिखाना चाहते हैं और ओके कर देते हैं, सही है। अब ये सारे आइटम यहां पे नजर आ रहे होंगे आप। अब यहां से आप जो भी आइटम सिलेक्ट करेंगे उसका हमें क्या चाहिए, सम मालूम करना। सपोज सिर्फ लैपटॉप, सिर्फ टैबलेट, अब सिर्फ एक प्रोडक्ट का नाम, टोटल प्रोडक्ट का हमें जो है वो सम नहीं करना। सपोज टैबलेट यहां पे 2 बार आ रही है, तो एक टैबलेट है 15,000 की, दूसरी है 15,000 की, तो यहां पे कितना आना चाहिए कि 2 टैबलेट के कितने बनते हैं, तो क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम मालूम करना चाहते हैं। तो ये आपके प्रोडक्ट के जो है वो नाम है, यहां पर हमें मालूम करना है सम उसका। तो मैं इज इक्वल सम इफ ये दिया मैंने, अब मुझसे क्या पूछ रहा है, रेंज। क्या पूछ रहा है, रेंज बताओ। अब रेंज एक्चुअल में यानी आपकी वो चीजें कहां कहां या किस किस चीजों को आपने सम करना है, ऐसे ही है ना। तो हमने क्या करना है, इसको ये पूरी की पूरी चीजें बता देनी है कि ये मेरा क्या है, एक रेंज है। इन प्रोडक्ट्स को हमें क्या करना है, सम करना, यही था ना। उसके बाद कॉमा देंगे, अब पूछ रहा है क्राइटेरिया। क्या पूछ रहा है हमसे, क्राइटेरिया पूछ रहा है। क्राइटेरिया यानी नाम कहां पड़े हैं, तो हमने इसको बताना, मैं यहां नाम लिखूंगा प्रोडक्ट, कौन से क्लियर। फिर मैंने क्या करना है, कॉमा दिया और मुझसे पूछ रहा है सम किस किस चीजों का करना है, कौन से क्लियर है। एक था क्राइटेरिया कहां प्रोडक्ट का नाम दोगे, फिर प्रोडक्ट है कहां, सारे प्रोडक्ट दिए थे आपने पहले, उसके बाद आपने क्या देना है, वैल्यूज वो आपकी ये है जिनको सम करना है, कौन सा क्लियर हो रहा है सबका। तो 3 पैरामीटर इसको कवर किया और आपको इंटर लगा देना है। अब देखिए क्या बता रहा है, 0, क्योंकि आपने कोई आइटम सिलेक्ट किया नहीं है,
अब अगर मैं यहां से जाके लिखता हूं टेबलेट, तो देखिए कितने बता रहा है उसके, 30,000 बन रहा है। कौन से क्लियर हो रहा है सबका? सपोज मैं फिर से बता देता हूँ, शायद आप लोगों को फार्मूला एक क्लियर ना हुआ हो, तो मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, आइडिया क्लियर हो जाएगा। देखिए इसको जूम भी कर लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे बेटा सिंपल है। देखो पहले तो आपको बताना है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनसे सम करना है ना, अब उनकी वैल्यूज तो अलग है ना, वो वैल्यूज बाद में देनी है। ये फार्मूला तीन हिस्सों में बटा हुआ है, सम जो है ना वो कितने हिस्सों में बटा हुआ है, तीन हिस्सों में। क्या क्या पढ़ो, पहला हिस्सा है बेटा हमारे पास वो आइटम्स जो आपको देने, फिर प्रोडक्ट का नाम वो कहां लिखा हुआ है, वो प्रोडक्ट का नाम आपने प्रोडक्ट नेम यहां लिख देना है, फिर उनकी वैल्यूज, ये तीन हिस्से देने। कौन से क्लियर? यानी सबसे पहले आइटम्स, फिर वो प्रोडक्ट का नाम, फिर उसकी वैल्यूज। कौन सा क्लियर हो गया सबका? अब मैं फिर से फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं, देखिएगा इसी तरह करेंगे। इज इक्वल टू एस यू एम इफ सम इफ लिखा, फिर मुझसे क्या मांग रहा है, रेंज मांग रहा है, यानी वो प्रोडक्ट्स के नाम दो। मैंने सारे के सारे नाम उठा के दे दिए कि ये रेंज है, ये प्रोडक्ट्स है जहां से ढूंढना है। अब वो नाम कहां लिखोगे, यहां लिखूंगा मैं, समझ में आ गया। फिर कॉमा देके वो वैल्यूज कहां है प्रोडक्ट्स की, मैंने कहा ये सारी की सारी वैल्यूज है जिनको जोड़ना है ना, फिर आपने इसको कवर करना और इंटर लगा देना। सही हो गया? अब अभी तो आ रहा था टेबलेट, अब मुझे किसको मालूम करना है, यहां से आके स्पीकर्स को। तो देखिए स्पीकर्स के कितने बनना है, 5,000, क्योंकि स्पीकर एक ही है। सही है? इसी तरह से अगर मैं बात करूं लैपटॉप की, तो लैपटॉप कितनी बार आता है, 1, 2, 3 बार आता है ना। तो मैं यहां से आके इसको क्लिक करता हूं और कहता हूं कि लैपटॉप के कितने बनते हैं, बता रहा 60,000। सही है? अच्छा सबसे बड़ी बात, यहां से वैल्यू अगर चेंज करोगे ऑटोमेटिक वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ये देखो एक 21,000 का था, तो वैल्यू अपडेट हो गई ना। या इसी तरह से कल को आपने कोई और इसी रेंज में लैपटॉप ऐड कर दिया, सपोज लैपटॉप ऐड कर दिया, देखिए ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू ऐड होती जाएगी। पहले 3 लैपटॉप थे ना, कितने हो गए, 4, तो चारों की वहां पे आपको रेंज बता देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इस तरह से आपका जो सम फॉर्मूला है काम करता है MS Excel के अंदर। चलें जी नेक्स्ट पे कुछ और पढ़ते हैं।